नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त सीदिबा टीवी चैनल के जारी प्रोग्राम पैगाम फ़ुरक़ान की 170वीं किस्त मुलाहज़ा कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आयत नंबर 126 की हम तफसीर पेश करेंगे। आइए सबसे पहले तिलावत कर लेते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير। यानी और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ परवरदिगार, इस जगह को अमन का शहर बना और उसके रहने वालों में से जो खुदा परवर रोज़े आखिरत पर ईमान लाएं उनके खाने को मेवे अता कर, तो खुदा ने फरमाया कि जो काफिर होगा मैं उसको भी किसी कदर मुतमत्तिअ करूँगा, मगर फिर उसको अजाब दोज़ख के भुगतने के लिए नाचार कर दूंगा और वो बुरी जगह है। नाज़रीन, अब हम इस आयत के एक एक हिस्से को लेकर देखते हैं कि इसमें इंसानियत के लिए हिदायत के क्या कुछ पैगामात दर्ज हैं। फरमाया जा रहा है कि वईद क़ाल इब्राहीम रब्बी जअल हाज़ा बलदन आमीना, यानी और जब इब्राहीम ने दुआ की कि परवरदिगार इस जगह को अमन का शहर बना, यानी यहाँ के बाशिंदों को हर तरह से सुकून और सलामती नसीब हो, ये वादिये गैर ज़रा के लिए दुआ है। जब यहाँ आबादी हो गई, शहर बस गया, तो उस वक्त जिन अल्फाज में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई थी वो 14वीं सूरे सूरे इब्राहीम की 35वीं आयत में मौजूद है। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी जअल हाज़ल बलद आमिनं वजनुबनी व बनिया अन्नाबुद अलअस्नाम। याद करो वो वक्त जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि परवरदिगार इस शहर को अमन का शहर बना और मुझे और मेरी औलाद को बुतपरस्ती से बचा। आगे फरमाया गया नाज़रीन गिरामी इस आयत में कि वर्ज़ुक अहलहु मिन अस्समराती मन आमन मिनहुम बिल्लाही वल्यौमिल आखिर, यानी इसके रहने वालों में से जो खुदा परवर रोज़े आखिरत पर ईमान लाएं उनके खाने को मेवे अता कर। मौलाना अमीन हसन इस्लाही रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, आमीनन के माने मामून व मुतमईन के हैं। ये दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस सरज़मीन के लिए फरमाई है जिस पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बसाया और जहाँ हरम की तामीर की। ये इलाका, जैसा कि वाज़ेह हो चुका है, तहज़ीब व तमद्दुन और आबादी व ज़रखेज़ी से बिल्कुल महरूम था। खानाबदोश कबाइल पानी और चारागाहों की तलाश में मौसमों के तगैयुर के साथ साथ इधर से उधर मुंतकिल होते रहते हैं। माश का ज़रिया या तो गिलाबानी था या शिकार या फिर लूटमार। इस वजह से इस सरज़मीन के दो मसले ख़ास तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में बड़े अहम थे, एक अमन का, दूसरा गिज़ा का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मस्कुरा दुआ इन्हीं दो चीज़ों के लिए थी। अल्लाह ताला ने ये दुआ जिस तरह कबूल फरमाई और इसकी जो बरकतें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत और इस इलाके के बाशिंदों के लिए ज़ाहिर हुई, वो तारीख़ की एक ऐसी ज़िंदा और महसूस हकीकत है कि कोई कट्टर से कट्टर मुखालिफ भी इसका इनकार नहीं कर सकता। समरात से मुराद सिर्फ मेवाजात नहीं हैं,
बल्कि हर किस्म का पाकीज़ा रिस्क है। मेवाजात के लिए अरबी का लफ्ज़ फवाकह मखसूस है, जबकि समरात का इस्तेमाल वसी मानों में होता है, जैसा कि कुरान हकीम में सूरह कसस की आयत नंबर 57 में इरशाद हुआ, अवलम नुमक्किल लहुम हरमन आमिनन युजबा इलैहि समरातुन, अवलम नुमक्किल लहुम हरमन आमिनन युजबा इलैहि समरातु कुल्ली शै, क्या हमने मामून हरम में उनके कदम नहीं जमाए जहां हर चीज़ के फल खींचे चले आते हैं। इस बात का आज भी मुशाहिदा किया जा सकता है कि हर साल लाखों की तादाद में दुनिया के कोने कोने से लोग हज और उम्रा के लिए वहां जमा होते हैं और अनवा व अकसाम की पाकीज़ा नेमतों से लुत्फानंदोज़ होते हैं और किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होती। फिर गौर कीजिए कि दुश्मन और भूख का डर ज़िंदगी के ऐसे खौफनाक साए हैं जिससे वो ज़िल्लत और ख़ारी का शिकार हो जाती है, सुकून और आफियत रुखसत हो जाते हैं, तरक्की की राहें मसदूद हो जाती हैं और हर वक्त इज़्तिराब और बेचैनी में गुजर बसर होती है। रब करीम ने अहले मक्का को इन दुश्मनों से नजात अता फरमाई और इसका ज़िक्र सूरह कुरैश की आयत नंबर 3 और 4 में भी किया कि फल याबुदू रब हादल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जुउइन व आमनहुम मिन खौफ। उन्हें यानी कुरैश मक्का को चाहिए कि उस घर के मालिक की इबादत करें जिसने उन्हें भूख में खिलाया पिलाया और दुश्मन के खौफ से अमन और इत्मीनान नसीब किया। और यह हकीकत है कि अगर किसी दुश्मन ने उनकी तरफ बुरी नज़र से देखा तो उसे नेस्तो नाबूद कर दिया गया। खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से कोई 50 दिन कबल यमन का गवर्नर अब्रहा बैतुल्लाह की अजमत व शौकत को मिटाने के लिए हाथियों के बहुत बड़े लश्कर के साथ मक्का की तरफ बढ़ा। अल्लाह ताला ने अबाबील परिंदों के ज़रिए इस पूरे लश्कर को तबाह बर्बाद करवा दिया था। यह अपनी चोंचों में नोकदार कंकरियाँ उठाकर लाते और बारिश की तरह लश्कर पर बरसाते थे। इसका तस्किरा सूरह फील में आया है। आगे इरशाद फरमाया गया, قال ومن كفر فأمتعه قليلا, खुदा ने फरमाया कि जो काफिर होगा मैं उसको भी किसी कदर मुतमत्तع करूँगा। दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के मुकाबले में यकीनन थोड़ी सी है नाज़िन गिरामी। इस दुनिया में मोमिन और काफिर दोनों को रिश्त दिया जाता है, बल्कि काफिर को फरावानी से अता किया जाता है, मगर आखिरत में अल्लाह ताला के इनामात से सिर्फ मोमिन बहरवर होंगे। फिर इरशाद हुआ, ثم استره الى عذاب النار وبئس المصير, मगर फिर उसको अजाब दोजख के भुगतने के लिए नाचार कर दूंगा और वो बुरी जगह है। इसके ज़िम्न में साहिब तफहीमुल कुरान लिखते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब मनसब इमामत के मुतालिक पूछा था तो इरशाद हुआ था कि इस मनसब का वादा तुम्हारी औलाद के सिर्फ मोमिन व साले लोगों के लिए है, जालिम इससे मुस्तस्ना है। इसके बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रिस्क के लिए दुआ करने लगे तो साबिक फरमान को पेश नज़र रख कर उन्होंने सिर्फ अपनी मोमिन औलाद ही के लिए दुआ की, मगर अल्लाह ताला ने जवाब में इस गलत फहमी को फौरन रफा फरमाया। उन्होंने बताया कि इमामत सालिहा अलग चीज़ है और रिस्क दुनिया दूसरी चीज़। इमामत सालिहा सिर्फ मोमिनीन सालिहीन को मिलेगी और रिस्क दुनिया मोमिन व काफिर सबको दिया जाएगा। इससे बात खुद ब खुद निकल आई कि अगर किसी को रिस्क दुनिया फरावानी के साथ मिली हो तो वो इस गलत फहमी में ना पड़े कि अल्लाह ताला उससे राज़ी भी है और वही अल्लाह की तरफ से पेशवाई का मुस्तहिक भी है। तो नाज़रीन गिरामी, मतलब ये निकला कि अगर किसी काफिर को ये पास बेहिसाब दौलत है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कामयाब शख्स है। दुनिया उनके लिए जन्नत है और उसकी फरावानी अल्लाह ताला की जानिब से दी गई है, लेकिन मरने के बाद कुछ हाथ नहीं आएगा। नाज़रीन आइए कि इस आयत मुबारका की हिकमत व बसीरत को समझने की कोशिश करते हैं। नंबर एक ये है कि गौर कीजिए कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कायनात के खालिक व मालिक के हुजूर किस आजिज़ी व खाकसारी से दुआ की, क्या है मेरे रब इस जगह को दारुल अमन बना दे
और उसके बासियों को समरात यानी रिस्क हलाल से नवाज। इसमें दुआ का सलीका और अदब सिखाया और ख़ुद ये अल्फाज अल्लाह ताला की रहमत और शफ़क़त और लुत्फ़ करम को मुतवज्जा करने पर मकबूल और मुअस्सिर हैं। नंबर दो ये है कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब करीम के हुजूर अमन सलामती को तलब किया कि खुशगवार ज़िंदगी मालो दौलत की फरावानी से नहीं बल्कि माहौल की इत्मीनान और सुकून से मिलती है। चुनांचे हमारा मुशाहिदा है कि दुनिया में कितनी ही मालदार हैं जो अमन और आफियत से महरूम हैं। और नंबर तीन ये है कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रिज़्क़ हलाल की कुशादगी की तमन्ना की कि उससे भी रूह मसर्रत और शादमानी से हमकिनार हो जाती है। इसलिए बंदे मोमिन को अल्लाह ताला के हुजूर पाकीज़ा रिस्क के हुसूल के लिए दुआ करते रहना चाहिए। और नंबर चार ये है कि ये दुनिया आरिजी और फ़ानी है। मालो दौलत की फरावानी के साथ साथ शुक्रगुजारी, ईमान और अल्लाह ताला की बंदगी ज़रूरी है। नाशुक्री और कुफ़ इंसान को अजाब जहन्नम से दो चार करने का बाइस होंगी। और नंबर पाँच ये है कि आइए हम सब मिलकर दुआ करें, ऐ रब हमारे इस वतन अज़ीज़ में अमन और सलामती पैदा फरमा, हमारे ऊपर नेक हुक्मरान मुसल्लत फरमा जो तेरे दीन को इस मुल्क में जारी व सारी करें। निसफ सदी से ज़ायद अरसे से गरीब आवाम जुल्म सितम की चक्की में पिस रहे हैं, ऐ परवरदिगार हमें जुल्म और ज़ालिमों से नजात अता फरमा, आमीन। बैगैफ नाज़रीन गिरामी वक्त हो चला है, मुझे इजाज़त, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह।